नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय। गुड आफ्टरनून अजय। अजय, बाजार को जहां छोड़ के गए थे वहां से थोड़ा और ही वीक हुआ आज। एक्चुअली बैंक्स ने भी कुछ सपोर्ट सिस्टम में एक्सटेंड किया और आईटी तो ड्रैगर थी। देखिए आईटी में ना सेकंड हाफ में एक फ्रेश सेलिंग आना शुरू हो गई है, इसलिए आपको कोई मदद नहीं मिली। जो डिप बायर्स हैं वो कह रहे हैं फ्राइडे को क्यों ले, फ्राइडे को जाके ओपेनहाइमर एंजॉय करेंगे, बाबी मूवी एंजॉय करेंगे। हाँ। मंडे को आके लेंगे, अभी जल्दी क्या है भाई, कौन से आईटी के स्टॉक भागे जा रहे हैं। हाँ, कली ये बात भी ठीक है। तो इसलिए आईटी इंडेक्स डेज लो पे पूरे बाजार को नीचे लेके आई है। डायरेक्टर साहब लाइए आईटी इंडेक्स को, डेज लो दिखाएंगे राइट। और बैंकिंग अभी जो फर्स्ट 5 मिनट्स में रिबाउंड आया था वो भी सेल इन टू हो गया। करेक्ट, बैंकिंग थोड़ा सा पीएसयू बैंक से आ रहा था सपोर्ट। जो बची कुछी जिंदा बचा था बाजार वो रिलायंस था, चार छप्पड़ थप्पड़ और मार दिए। तो कोई जब कोई पिलर ही नहीं है, आईटी नहीं, बैंक्स नहीं, रिलायंस नहीं, तो बहुत मुश्किल होगा आपको हालांकि सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स में हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं मिड कैप में, लेकिन देखिए 3.5% रिलायंस नीचे, बैंकिंग इंडेक्स नीचे और आपका आईटी नीचे, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है रिबाउंड का। लेकिन देखिए अगर आप तो मिड कैप में कई जगहों पे एक्शन हो रहा है, अर्निंग बेस्ड एक्शन। आई एम श्योर आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स तो देखा ही होगा, रेजिंग द बार जो सुबह से मैं कह रहा था। हाँ। चीयर्स हो रहा है वहां पे, साथ में रेडिको भी, दोनों 4-4, 5-5, 6-6% गेन कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे हैं और लोग डिसबिलीव था और पोजिशनिंग नहीं थी पहले रिजल्ट के पहले। तो जब रिजल्ट आए उसके बाद पोजिशनिंग बनी, जहां पोजिशनिंग पहले नहीं होगी तो वो बाद में बनेगी। देखिए रेडिको चार्ट का और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी साथ में 6% ऊपर है आज। अब देखिए क्या क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, रेडिको, यूनाइटेड स्पिरिट, पीवीआर भी लेके आई है डॉक्टर साहब। पीवीआर ने नए 10-12 नए थिएटर्स अनाउंस किए हैं और ओपेनहाइमर और बारबी आने ही वाली है और इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। एग्जैक्टली, देखिए ये पीवीआर ने 4%, तो बाजार का मूड इधर ज्यादा है। अरे ठीक है बंद करिए बाजार, जरा फोकस करिए राइट चीजों पे। ये हाल है। देखिए बाजार ने इतनी बड़ी तेजी भी एंजॉय कर ली, सिर्फ 20 दिन में आप 1000 पॉइंट चल गए ऑलमोस्ट, आप एंजॉय तो करेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा साइडवेज चला गया है, बहुत भयंकर मंदी नहीं है। ये आपका अल्ट्राटेक ने जो कमेंट्री दी है ना, उस पर आपकी नजर गई, भयंकर कमेंट्री दी है। इनफैक्ट एक एनालिस्ट मुझे भी बता रहा था कि अल्ट्राटेक पूरे बाजार का जो मार्जिन है ना सीमेंट सेक्टर का, वो अकेला अल्ट्राटेक जूस निकाल रहा है पूरा। अल्ट्राटेक बहुत लास्ट क्वार्टर पे बहुत अच्छे नंबर्स आए थे, आपको याद होगा, बड़ा मार्क माइलस्टोन अचीव किया था लास्ट क्वार्टर। सीमेंट स्टॉक्स में अल्ट्राटेक सबको पछाड़ता हुआ जा रहा है और ये कमेंट्री बहुत अच्छी दी है। अशोक लेलैंड के नंबर्स आए, धमाकेदार नंबर, अच्छी कमेंट्री और स्टॉक रिएक्ट भी किया। देखिए ये भी डेज हाई की तरफ गया था, अशोक लेलैंड भी डेज हाई की तरफ गया था। देखिए खराब बाजार में और साथ में आखिरी में जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जहां जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रही है। और एलटी फूड्स 8वां दिन है गेन्स का, राइस काउंटर्स का। जी हाँ, आप देखिए राइस के एक्सपोर्ट दावत बन रही है पूरी, दावत पूरी हो रही है पूरी दुनिया में राइस की कमी पड़ रही है और ये एक्सपोर्ट करता है। हाँ। तो वहाँ भी अच्छे, तो जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में तेजी है। 19-20 हजार से तो अच्छा खासा नीचे आ गया, अभी जल्दबाजी में नहीं हो रहा, अगले हफ्ते फिर माहौल बनाएंगे। लग रहा है हमारे गेस्ट आ गए होंगे। रेलवे स्टॉक्स को भी देखा आपने अजय, कितना फिर से एक सेट ऑफ मनाने जा रहे हैं, एक सेट ऑफ रैली फिर से स्टार्ट। आप ही किस पर नजर है? एयरकॉन देखा मैंने अभी, 6% ऊपर है। आप सारे देख लें, एयरकॉन देख लें, राइट्स देख लें, रेलटेल में फिर से आपको लास्ट वीक इसी वीक से अच्छा रिन्यूड इंटरेस्ट दिखा, जबकि कोई वैल्यूएशन वाला कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं आ रहा, वन साइडेड बाइंग हो रही है। लेकिन हमारे साथ कुणाल फरार आ चुके हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के, और पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कुणाल ही हैं और कुणाल के साथ ट्रेडिंग की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। कुणाल नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बाजार सेकंड हाफ में आपका ऑफिस में रुकने का मूड था या आज हाफ डे लेके घर जाने का मूड था? पूरी अनवाइंडिंग हो गई, कहाँ 20,000 पे हमने पूरी पटाखे वटाखे तैयार कर लिए थे स्टूडियोज में और एकदम नीचे आ गए। कोई सेंस आ रहा है सेकेंड हाफ में रिबाउंड का या मुश्किल लग रहा है आज? सेकेंड हाफ में घर भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश इतनी है, बाहर निकलने में डर लग रही है अभी। सही कह रहे हैं। नाउ सेंस आ रहा है, मैं यहां से जैसे लेवल की बात करूंगा, अभी निफ्टी फ्यूचर अगर मैं कहूं तो निफ्टी स्पॉट अगर कहूं तो 19,757 ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करें तो निफ्टी फ्यूचर भी अभी इस लेवल पे तकरीबन 19,800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस लेवल पे निफ्टी फ्यूचर बाय करके चलना चाहिए, 19,800 ट्रेड हो रहा है, इस लेवल पे निफ्टी फ्यूचर बाय करके चलना चाहिए। 100 पॉइंट का हम यहाँ पे लोअर लेवल पे जो है वो एसएल लगाएंगे, यानी कि 19,700 का हमारा एसएल रहेगा। टारगेट की बात करें तो 19,900 का पहला टारगेट है और वो जैसे ही क्रॉस करता है पूरे मार्केट जिस लेवल का वेट कर रहा है, यानी कि वो 20,000 के लेवल,
वो भी लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है, वो मुझे लग रहा है कि मंडे मंडे टेस्ट कर देगा नो डाउट। आज आईटी गिरा है, आईटी के वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा है, लेकिन ये बिगड़ने वाला बात नहीं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप आया है और यहाँ से हमें बाय करके चलना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 19,700 के एसएल के साथ निफ्टी फ्यूचर बाय कर लीजिए। सीधी बात आपने, और जुलाई जुलाई मंथ में ही कह रहे हैं वो कि 20,000। ये मुझे कुणाल, आज सुबह राहुल ने भी शेयर स्टॉप लॉस लगेगा, बट ज्यादा लच्छेदार लंबी लंबी बातों या सीधे निफ्टी फ्यूचर पे बाय है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मैटर एंड्स। करेक्ट, ट्रेडिंग को आइडिया भी देते जाइए लगातार। कौन से टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपके? दो कॉल है और दोनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। पहला जो है वो है कोरोमंडल। नाउ कोरोमंडल की बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका है, एंड यहाँ से और भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है कोरोमंडल में। तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की राय स्टॉक बनेगी। 983 984 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 955 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। 1010 का पहला टारगेट, वो जैसे ही क्रॉस होता है 1050 का दूसरा टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दूसरा जो कॉल है वो है जीएमडीसी है, एक काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है, और यहाँ से और भी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक हमें दिखा चुका है, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक स्काई हैज नो लिमिट वाले प्रोवोक को सच कर सकता है। तो जीएमडीसी बाय करके चले 175 के एसएल के साथ। पहला टारगेट है 189 का है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 198 के भी टारगेट हमें स्टॉक में अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जीएमडीसी को बाय करना है और दूसरा आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये दो स्टॉक्स हैं आपके, ठीक है। कुणाल तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि वो बाय करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स को। ये आज का जो जो एक थोड़ा सा नीजक रिएक्शन है बाजार पर आईटी की वजह से, वो शेड ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा रिएक्शन बाजार जिस स्टॉक पर दे रहा है वो है रिलायंस का स्टॉक। आज नंबर्स आने हैं और नंबर्स से पहले स्टॉक में लगभग 3-3.5% की आज जो गिरावट है, चल भी चुका था रिलायंस, और डी मर्जर के बाद का एक इम्पैक्ट या फिर रिजल्ट से पहले की नर्वसनेस क्या इंडिकेट कर रही है, नंबर्स एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? सौमित ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, उनसे समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन लगा के चलनी चाहिए रिलायंस से। सौमित बताएं। कोई ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स तो नहीं होंगे, रादर म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 8% से नीचे हो सकती है, एबिटा 1% से डिक्लाइन कर सकता है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक 15% का ड्रॉप देखने मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते तो रिटेल बिजनेस जो है वहाँ पर रेवेन्यू 4% ग्रो करेगा, एबिटा 2.5% हायर होगा क्योंकि फुटफॉल्स हायर थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था Q1 में। ओ टू सी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, और इसी कारण पूरे कंसोलिडेट बिजनेस का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक ड्रॉप देखने मिल रहा है। अब ओ टू सी सेगमेंट के एबिटा की अगर हम बात करें तो वो 4% नीचे होगा, क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन भी नीचे थे कंपनी के, और सेल्स वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि गुजरात की तरफ साइक्लोन का खतरा होने के कारण पोर्ट बंद था, तो कंपनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाई थी और सेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसी कारण वॉल्यूम पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 3,900 करोड़ की एबिटा आने की एक्सपेक्टेड है, और जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है 4% का वो प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने मिल रहा है। रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाकी जो सेगमेंट्स हैं इंटरनल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रॉसरीज हो, वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकता है, बट फैशन वाला जो सेगमेंट है जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है कंपनी के लिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है, क्योंकि जो पियर्स कॉमेंट्री देखने को मिली है पियर्स से भी, वहाँ पे भी हमें यही पता चला है कि फैशन सेगमेंट का जो सेल्स था वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस था, और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा लोअर साइड पे, तो कंसोलिडेट बेसिस पर अगर हम देखें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। ये तो हो गई रिलायंस की बात, एक बड़ा कॉम्पोनेंट लेकिन सौमित जियो का होता है, उसके नंबर्स कैसे आ सकते हैं? अगर रिलायंस जियो की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 3% के आसपास आ सकता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2% के आसपास होगा, आरपू जो कि की नंबर है वो लगभग फ्लैट ही है, करीब 180.7 एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को, लास्ट क्वार्टर ये नंबर करीब 179 के आसपास था, सब्सक्राइबर बेस था वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 43.9 करोड़ से ये नंबर करीब 44.7 करोड़ होगा, और याद रखिएगा ये फिफ्थ कंजिकेटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे कंपनी सब्सक्राइबर ऐड कर रही है अपने नेटवर्क पे, और ये सब्सक्राइबर बेस ऐड करने के कारण ही कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पे, ये मोस्टली सब्सक्राइबर बेस के कारण ही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आरपू में जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है वो
वो नंबर ऑफ डेज हायर होने के कारण है, बट सब्सक्राइबर बेस में जो ग्रोथ है वो मेन रीजन है रिलायंस जियो के ग्रोथ के सामने। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। पहले तो क्या कंपनीज की तरफ न्यूज़ फ्लो आ रही है जियो फाइनेंशियल डीमर्जर को लेकर, रोड मैप क्या है न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर, क्या कॉमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से आरपू की, अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक कब हो सकता है इस पर कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा, और जियो भारत फोन्स के ऑफटेक कैसे थे और उस पर क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस पर भी ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित, ये आपको मैंने हाल बताया है कि बाजार क्या मान के चल रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर इस समय कमजोरी दिख रही है। हमारे साथ अभीक मित्रा जुड़ रहे हैं। अभीक, आप यूएस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ या इस समय आपका भारत दौरा चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देख के। कोलकाता, ओके। मैं बता दूं अभी एक वैल्यू इन्वेस्टर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी एक मित्रा पुराने जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बाजार पर पैनी नजर रखते हैं और अपना बहुत समय अब अपने बेटे के पास यूएस में बिताते हैं जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ शांति से बैठ के इंडियन मार्केट में मल्टी वैगन्स निकालते हैं। तो अभी बाबू सबसे पहले ये बताइए, हमारे साथ मितेश भी है, मितेश पांचाल के पास मैं आऊँगा अभी। सबसे पहले ये बताइए अभी कि बाजार पर, क्योंकि आप स्मॉल कैप मिड कैप को ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, व्यू क्या बन रहा है? पहले मैं आपसे स्टॉक्स लूँ, उससे पहले फ्रॉथी वैल्यू या सिलेक्टिवली कॉशियस क्या बना रहे हैं आप व्यू? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अजय एंड टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टेइंग इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम, इट्स नॉट दैट यूएस आई स्टे फॉर 4-5 मंथ्स एंड नॉट फॉर माय वाइफ इज आल्सो देयर। So, having said that, and I refuse to call myself value investor. I think whatever is the market gives me the opportunity, I have to make money out of that. क्या बात है? Presently, if I tell I'm a value investor, then I think there will be hardly anything to buy. I have to save my investors, and I come back after some time. So nothing valuable seems to me that everything is very highly valued. So we have to find out our ways in any kind of a market situation. Having said that, I think presently the market looks good. So I am not a person, you know that very well, that I don't track things like Reliance Industries or similar kind of companies, because we were not invest. And so why we waste our money, time and energy in analyzing those? So today's market, even we didn't find anything which has gone very wrong for us. So we are fine. So, and I think this will continue. This momentum will continue for some time. Remember, we are crossing this particular 18,900 kind of an area after almost 21 months or so. So, and I think another 1,000 points can go up from here. Am I looking very aggressive? Fair point. ठीक है, fair point. अभी आप ये बताइए, IT mid caps में क्या किया जाए, या even IT large cap? IT में opportunity है इस fall में, या आप avoid करेंगे इस call को? No. I am not at all avoiding this call. My view on IT is that I think on the large cap commoditized space of IT is having certain effects. But if you really carefully go through the con call and the commentary, what is happening is the deals are getting delayed. It is not getting cancelled. And with the new changes which are happening across IT on the AI, on the low code computing, and all these kind of new changes will have this IT juggernaut run for some more time. And at the same time, due to a lot of changes which are happening in the IT space, there are mid-cap IT stocks. Recently, if you see the results of a company called Newgen Software, so the kind of results they have come up with, the kind of commentary they have given, I think that gives us confidence. And if you look into today's market also, if you see that Infosys has come out with a bad result, and that stock has been hammered. But you connect that to LTTS or LTI, Mindtree or similar kind of stock, that has not been affected very significantly. So market has also become matured. They have not selling things lock, stock and barrel. They're very specific, punishing things in a very specific way. It is not blanket selling which has happened across the counter. ACL Technologies came out with weak results. These guys have come out with a weak result. So that will have problems, and because of the sectors in which they are exposed to. But I am okay with IT sector for small nibbling over a period of say 1 or 2 quarters.
ओके ऑलराइट, तो अभी का भी यही मानना है कि इस वक्त एक तो 1000 पॉइंट हो गए थे, कोई अग्रेसिव तो नहीं हो गया 1000 पॉइंट यहाँ से चल जाएगा तो बाजार जिस मोड में है 1000 पॉइंट यहाँ से, और अप्रैल की बात करें अभी, और आईटी पर आपको याद होगा अजय सुबह भी हम जब बात कर रहे थे दुवेन चौक से भी कह रहे थे वो इसे अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं लार्ज कैप आईटी में भी अभी का, बट अभी बोल रहे हैं कि सेलेक्टिवली निबल ओवर नेक्स्ट क्वार्टर, और वो भी लार्ज कैप जेनरिक कंपनियां नहीं, मिड कैप जो स्पेसिफिक और बहुत स्पेशलाइज काम कर रही है वहां पे ज्यादा आईटी इंजीनियरिंग में भी, मेजरली जो आईटी इंजीनियरिंग, ईवी इंजीनियरिंग, बहुत सारी ऐसी है करेक्ट काम हो रही है, तो वहां पे ज्यादा जाना ज्यादा नजर रखें। ठीक है, अभी से हम और भी चर्चा जारी करेंगे, रखेंगे और भी स्पेसेस और सेक्टर्स पे बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मितेश पंचाल भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो इस वक्त इंडेक्स पर क्या व्यू बना रहे हैं। मितेश गुड आफ्टरनून, कुणाल का तो बहुत क्लियर व्यू था कि आप यहाँ फ्यूचर्स बाय करके चले, आज एक नीजर्क रिएक्शन थोड़ा आई टी की वजह से है, आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा कॉशियस होंगे मंडे को आकर देखना चाहेंगे या फिर आप क्लियरली एक डायरेक्शन में लेंगे ट्रेड, वो है बाय ट्रेड? मितेश आप सुन पा रहे हैं? ओके, मितेश को भी आवाज नहीं जा रही है, तो हम कुणाल के पास आ जाते हैं। कुणाल, ये कुछ वीकेंड स्टॉक्स बड़े एक्टिव हो रहे हैं, चार्ट्स पे देख के बताएं कुछ कहीं ट्रेड है, यूएसएल, रेडिको, पीवीआर। क्या मामला है हमारे गेस्ट? वेल, अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। अगर आप यूएसएल की बात करो, रेडिको की बात करो, रेडिको अभी 1403 के पास ट्रेड कर रहा है एंड लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरा जो व्यू है वो रेडिको प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने का है। अब एसएल जो है थोड़ा सा बढ़ाएगा क्योंकि आज के दिन में जो वॉलेटिलिटी है काउंटर में थोड़ी सी बढ़ी है, 1405 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय करके चलने की सलाह बनेगी। नीचे में जो एसएल आएगा वो 1330 का आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1320 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं, 6% के अराउंड का एसएल बैठेगा। नाउ अगर मैं टारगेट की बात करूं तो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट है वो है 1470, जिसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है 1470। 1470 जैसे ही क्रॉस करता है 1575 तक की मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, यानी कि 12 से 13% तक की भी मोमेंटम रेडी को हमें दिखाने में सक्षम है, तो प्रेजेंट लेवल से हमें रेडी को खरीदी करके चलना चाहिए। रिलायंस में रिकवरी सी आती दिख रही है, थोड़ी सी अटेम्प्ट हो रही है, 4% नीचे से थोड़ा सा रिकवर हुआ है रिलायंस। इंटरडे देखिए, इंटरडे लो है 2523 का, अब इस समय है 2540, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मामूली रिकवरी 12-13 रुपये की हुई है। अभीक है हमारे साथ, मितेश भी हैं, मितेश को आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन अभीक से बातचीत आगे लेके चलते हैं। अभीक, आप कहाँ पे इस समय रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव देख रहे हैं, कौन से थीम्स को आप स्टडी कर रहे हैं क्लोजली? हम तो एक्चुअली इवन रिसेंटली वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मेरे को तो लगता है अभी जो टाइम है उसमें देयर आर लॉट ऑफ कंज्यूमर फोकस्ड एरियाज वेयर आई थिंक द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस और द काइंड ऑफ कंजम्पशंस व्हिच आर फॉर द हायर एंड ऑफ द मार्केट ऑफ द कंज्यूमर्स। So we recently have invested in a company which actually is the only manufacturer of wines in India. So we like that company. Indian wine consumption is almost 1% of the alcohol consumption. If it goes to 2% also, that can increase a substantial market. And also what we like in that company is that they have got their exclusive contract farming with almost 2,500 acres of land near Nasik. So, and we find that it is valuation-wise, it's okay if we take a very long-term view. Similarly, we are having a very positive view on power sector also, because there is a company which makes hydel power, and they are having within next 1 or 2 years, from 2,000 megawatt, they will go to 5,000 megawatt. From there, they will go to they will add another 5,000 in next 3-4 years. So the kind of capacity addition which will come along with the dividend yield with the produce, we find there is an enough opportunity, and power sector is an area where we are looking into very closely for value-based investing, if you can say it that way. Power so space. So we are buying in many areas, small quantities to build up positions. All right, ठीक है, power space में आपको
एक अच्छा वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है वहां पर. आप एनटीपीसी पर बात करते हैं, आज एनटीपीसी पर सुबह हमने डिस्कशन भी की थी पावर स्पेस पे खास, और इस स्पेस पर नजर जरूर होनी चाहिए क्योंकि कई सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जो पॉलिसी कंफर्टिंग इन्वायरमेंट बन रहा है पूरे पावर स्टॉक्स के लिए. उसके चलते आप कुछ ये स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स रिकमेंड करें उनको नजर रखें उस पर. एनटीपीसी भी है, मितेश पंचाल हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन मितेश के पास आवाज नहीं जा पा रही है. मितेश हमारे साथ जुड़ तो गए हैं लेकिन आज मितेश मूड में नहीं लग रहा है बात करने के. हाँ, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. कनेक्शन नहीं हो पा रहा उनसे. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं. कुणाल से भी समझते हैं. कुणाल, आज जिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी मूव है क्योंकि थोड़े से मिड कैप पीएसयू बैंक्स नंबर्स का भी एक इम्पैक्ट है. ऑफकोर्स यूनियन बैंक जैसे स्टॉक हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और इनफैक्ट बीओबी जैसे स्टॉक्स, कहां पर आपकी नजर होगी जो ओवर द वीकेंड आप ले जाना चाहेंगे? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम हमें छोटे बैंकों में देखने को मिली है. उसमें से एक बैंक है जिसमें आज ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, नाम है बैंक ऑफ इंडिया. 84.70 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है एंड प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 84.70 के पास. टारगेट की बात करें तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो टारगेट हमारा रहेगा 87 का टारगेट रहेगा. 87 जैसे ही ब्रेक होता है 90 तक के टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और नीचे जो एसएल हम मेंटेन करेंगे वो 82 का है. तो 82 के एसएल के साथ हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बाय करके चलने की सलाह है. नाउ एक और स्टॉक मेरी रडार में आया है, अगर प्रियंका जी अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं देना चाहूंगा. विधायक कुणाल, बिल्कुल. यस, सो प्रियंका जी, एक स्टॉक है नाउ, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेके ही है. आजकल ये एक थीम चल रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेके, शिपिंग काउंटर्स को लेके. उसमें एक श्रेयस करके स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है. 365-366 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. बाय करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से. 350 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे. टारगेट की बात है तो 380 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है और 380 जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर में 405 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है. तो हम सीरियस प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलेंगे. पीछे कुछ मिनटों में उसमें अच्छी मूव भी आई है और यहाँ से आप इसमें अप मूव के लिए इस स्टॉक को खरीदेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे. ठीक है, कुणाल और मितेश आपके पास आते हैं लेकिन इस बीच हमारा खास अगेन ऑप्शन के चैंपियंस उस सेगमेंट से का रुख करते हैं. हमारे साथ अक्षय भागवत हैं, आइए उनसे बात करते हैं. अक्षय बताएं कहाँ पर मौका दिख रहा है इस वक्त? गुड आफ्टरनून. तो आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प. तो हीरो मोटोकॉर्प ने अगर आप जून के फर्स्ट वीक में देखे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निकल ब्रेकआउट करा था 3000 के स्तर पे और लास्ट दो वीक से वो एक छोटे से रेंज बाउंड प्राइस कंसोलिडेशन जो 3100 और 3150 के बीच में है वहां से एक कुछ क्वाइट ट्रेडिंग सेशन देखने में मिली है. हमारा मानना है कि ये स्टॉक अभी एक्सपायरी वीक में पिकअप हो जाएगा और आपको एक्सपायरी तक इसमें ऊपर में 3200 के स्तर मिलेंगे. तो ये ट्रेड हम अगर ऑप्शंस के जरिए अगर पार्टिसिपेट करें स्ट्रेटेजी के जरिए तो एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाएंगे हीरो मोटोकॉर्प 27 जुलाई एक्सपायरी में. इसका लॉट साइज है 300. तो आपको इन द मनी 3100 की कॉल बाय करनी है. उसकी प्रीमियम करीबन आपको अभी 28 रुपए में मिलेगी. इसके सामने आपको कॉल का कॉस्टिंग कम करने के लिए 3140 की कॉल बेचनी है सामने, जिसका करीबन 17 रुपए में आपको बेचने को मिलेगी. तो ये स्ट्रेटेजी में आपका जो है पे ऑफ बनेगा मैक्सिमम प्रॉफिट का 8700 और मैक्सिमम लॉस बनेगा 3600. सो ये मैक्स प्रॉफिट बनेगा अगर हीरो मोटो को बाय जुलाई एक्सपायरी 3140 के ऊपर एक्सपायर हो जाएगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल के लिए. हीरो मोटो पे कॉल खरीदने की का एडवाइस है और 28-29 पे और 31-40 पे की कॉल को बेचने का. तो ये ऑप्शंस की रणनीति. नुकसान मैक्सिमम है 3300 और इससे डबल ऑलमोस्ट 9000 का मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है इस स्ट्रेटजी से. मितेश आ चुके हैं हमारे साथ. मितेश, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है उसके चक्कर में हम आ नहीं पाए थे अभी तक आपके पास. आप बताइए आपके कॉल्स क्या हैं ट्रेडिंग के इस समय. गुड आफ्टरनून जी. तीन कॉल्स हैं. पहला कॉल है एरिस लाइफ साइंसेस का. 710 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट आया है. 745 के ऊपर रिकमेंडेशन है. स्टॉपलॉस यहाँ पे रहेगा 695 का. पहला टारगेट 852, दूसरा टारगेट 908. दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज. बहुत लंबी अवधि के बाद एक अच्छे से कंसोलिडेशन के बाद
385 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है जो सस्टेनेबल था पिछले कई दिनों से, और मेथड और सिस्टम ने कंफर्म किया ये वीक में। तो प्राज में 414 के ऊपर बाय साइड रिकमेंडेशन रहेगा, 381 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट रहेगा 486, दूसरा टारगेट रहेगा 512। लास्ट जो स्टॉक है वो है सारेगामा इंडिया। सारेगामा इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है 405 के ऊपर और वो सस्टेनेबल था, और स्टॉक कंसिस्टेंटली 405-410 के अपने ऊपरी रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी अच्छे हैं, वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड एक ब्रेकआउट मिला है। तो सारेगामा इंडिया 445 के ऊपर बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, 398 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 527, दूसरा टारगेट 500। राइट, सारेगामा इंडिया इसमें एक अच्छी मूव पिछले पूरे हफ्ते दिखी, आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है लेकिन टारगेट बनेगा। इरिस लाइफस्टाइल, ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड की बाइंग भी देखने को मिली थी, और प्राज भी बड़ी कंसोलिडेशन में फंसा रहा है इनफैक्ट काफी समय तक। अच्छा, अब थोड़ा सा प्राज रडार पर आ रहा है, लेकिन प्राज तो रडार पे आ रहा है क्योंकि ये यूनिक कैपिटल गुड कंपनी है, लेकिन एक साथ कंसोलिडेशन में देखिए चली भी तो बहुत थी, आप देखिए ना क्या चली, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट डायरेक्टर साहब अगर ला सके तो बहुत जबरदस्त चली थी, अब ये थोड़ा साइडवेज चली गई है, उसके बाद फिर चली गई। देखिए चाल जो है उसके हिसाब से होती है, देखिए 52 है करीब आ गया वैसे नीचे से 300 वाला 420 पे, ये कैपिटल गुड्स की बात चली रही है। अभी आपके पोर्टफोलियो में कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं क्या, आप किस तरह के इंजीनियरिंग कैपिटल गुड स्टॉक्स को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं महंगे हो गए अभी, कल ABB के ऊपर लोग परेशान हो गए थे उनकी गाइडेंस को देख के, बीच में सीमेंस में एक्सीडेंट हुआ था, आपने प्ले किया इसको? Played it for a very long time actually. So now we are not buying anything new, but whatever we have bought, we are already, I think, up 2-3 times or at least doubled on many cases. We are riding this particular. So, jab tak chalega, ye chalne ke liye hum rakhe hai. But abhi kharidne ke liye, toh, I think, himmat chahiye hoga. Kyunki ye bahut jabardast bada hai. So, the kind of stocks we bought. At least everything has given at least 70-80% return, and few of them have given 2-3 times return. So, abhi we will ride this trend, but kuch naya nahi kharidenge. Abhi dekhte hai quarter one result kaisa aata hai, kya hota hai. Hamara ek stock tha Elecon Engineering, uska result bahut hi acha tha, fir stock wahan se badh bhi gaya hai. So, though we purchased it long time back. So, शायद मैंने डिस्कस भी किया था आपके शो में सम टाइम बैक, बट नन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज एनी एन एडवाइस फॉर एनीथिंग, इट इज जस्ट फॉर डिस्कशन। पहले ही डाल देता हूं ताकि आप और अच्छे खुल के स्टॉक्स बता दें, ये डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए स्टॉक के नाम ले रहे हैं अभी जी, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बाद हम चैनल पे डिस्क्लेमर भी चलाएंगे। अब आप बताइए NBFC या लेंडर्स में क्या ले रहे हैं आप, क्या स्टडी कर रहे हैं? NBFC lenders में actually हमारे पास अभी ज्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं है, जो एक्सपोजर था वो हम थोड़ा रिड्यूस किया है रिसेंटली, क्योंकि हम जो सोचता है अभी जो पीक मार्जिन जो है, पीक जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा आगे वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, ये हमारा व्यू है। तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स था जो बैंक्स का और प्राइवेट बैंक्स का और NBFC का, वो थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है, और अभी जो जियो फाइनेंशियल का लिस्टिंग के बाद क्या फ्रेंजी आता है इसमें, और इसमें कैसे जियो एक्चुअली डिस्टर्ब दिस एप्पल कार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो वो देखने के बाद ही फिर हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें, सो वी वांटेड टू रिमेन वेरी कॉशियस, यू नो दैट, सो वी आर ऑलवेज कॉशियस अबाउट थिंग्स, सो ट्राई टू टेक एडवांस एक्शंस, मेनी अ टाइम गलत भी होता है, वो स्टॉक बढ़ भी जाता है वो बेचने का बाद, बट दैट इज आवर व्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल अभी आपसे चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच क्योंकि अब रिजल्ट सीजन है और इस वीकेंड पर और अगले वीक कौन से बड़े रिजल्ट्स आने हैं, एक बार वो सारे नंबर्स लेकर आते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड बनता है। नंबर्स से पहले कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एक पोजीशन देखनी चाहिए? तो 22 जुलाई को अभी तो इस वीकेंड पे ही आप देखेंगे तो ICICI बैंक के आ जाएंगे, और अगले हफ्ते जो बड़े नंबर्स आने हैं उसमें पहले निफ्टी कंपनीज की बात करते हैं। टाटा स्टील 24 जुलाई को इसके नंबर्स आने हैं, और इनफैक्ट 25 जुलाई तो काफ़ी हैवी वेट रहेगा निफ्टी अर्निंग्स के लिहाज से, क्योंकि बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, LNT, SBI लाइफ,
पूरा हफ्ता इनफैक्ट मेजर ऑफ द अर्निंग्स आनी है, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, सभी के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं, तो एक बार ये समझ लेते हैं कि ट्रेड दिख कहाँ रहा है अभी। मितेश, कमिंग वीक में जो बड़े नंबर्स हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, एलएनटी के भी नंबर्स हैं इनफैक्ट, और एलएनटी तो बायबैक, एलएनटी की तो उस बोर्ड बैठक में उस दिन बायबैक पर भी और क्लैरिटी आएगी, इस वक्त ट्रेड कहाँ दिख रहा है आपको? बेसिकली यहाँ पे सिस्टम और मैटर जो है वो सेंस कर रही है कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक, क्योंकि मेटल स्टॉक में पिछले दो या तीन महीने से एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जो चल रहा है उसका फाइनली ब्रेकआउट आएगा, तो हमारे हिसाब से पूरा मेटल पैक हमको अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सिस्टम और मेटल के ऊपर। उसमें हमारा प्रिफर्ड पिक जो है पहला है हिंडाल्को और दूसरा है टाटा स्टील। टाटा स्टील में हम 124 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो अगले एक या दो वीक में क्रॉस होगा, उसके बाद अल्टीमेटली जो उसका ऑल टाइम हाई था 142 अराउंड वहाँ पे वो स्टॉक अपना जो है वो मार्क करेगा। तो हमें लग रहा है कि आई थिंक पूरा मेटल पैक अगले एक या एक वीक या दो वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें आने चाहिए। हमारा प्रिफर्ड पिक हिंडाल्को फॉलोड बाय टाटा। जी हाँ, आ तो सकती है, 100 रुपए से मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आई है। कुछ डेटा आएगा या तो ग्लोबल, वैसे भी चाइना का जो कोई बड़ा स्टिमुलस की बात हो रही थी वो तो वो अभी तक नहीं आया, बट मुझे लग रहा है ये ग्लोबल ट्रिगर आएगा इसमें, मेटल में ना ग्लोबल ट्रिगर आएगा। अनिल अग्रवाल जी बहुत अच्छी बात कहे गए थे कि हो सकता है कि डिमांड, ग्लोबल डिमांड की कमी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट ये मत भूलिए कि अब कोई नई माइंस नहीं आ रही है, हाँ, ये आपकी इंटरेक्शन सप्लाई साइड वाला पॉइंट। और दूसरा, यूएस में स्लोडाउन उतना हो नहीं रहा है जितना एंटीसिपेट, लोग हार्ड लैंडिंग समझ रहे थे, नहीं हो रही है। थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग डेटा आ गया, भाग जाएगा टाटा स्टील, नजर रखेंगे इस पे। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे इन हाउस खबरी आ चुके हैं शरद बाबू लेके, टॉप जूसी स्टॉक्स जो डीलिंग रूम में अब बड़े अचनाए डिस्कस कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी। शरद बताइए। जी बिल्कुल, एलटी फूड्स जो है फोकस में रहेगा, और यहाँ पे जो है हमने ऑलरेडी मंडे को भी कहा था, और यहाँ पे सस्टेन्ड बाइंग देखने मिल रही है, हमने खबर गर्म में सेगमेंट में कहा है, और दो बार और आज भी जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और जो नेगेटिव थोड़ी सी एक सेंटिमेंट न्यूज़ फ्लो भी आई थी कि आपके एक्सपोर्ट जो है बैन हो जाने वाली है नॉन बासमती राइस पर, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो इस स्टॉक में जो है बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है। और आज जो बात हो रही है उस पर फोकस करेंगे तो गैब्रियल इंडिया है ये स्टॉक, ऑटो एंसिलरी कंपनी है और वर्ल्ड की जो टॉप 10 मैन्युफैक्चरर में से एक है, जहाँ पर वो शॉक अब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ पर खबर आ रही है कि एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा लार्ज ऑर्डर उनको मिलेगा पीवी सेगमेंट में, जहाँ पे वो ईवी का जो ओवरऑल सेगमेंट है उसको वो कैटर करती है। अब इस ऑर्डर मिलने के बाद क्या होगा कि जो मार्केट शेयर है इस सेगमेंट का वो 30% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिलेगा। और आगे जाते हुए जो है कंपनी हाई मार्जिन बिजनेस में भी फोरे कर रही हैं, और ब्रोकरेजेस ने भी जो है अपग्रेड दिया है, स्पेशली क्योंकि उनके ROCE नंबर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है और जो उनके डेट फ्री बैलेंस शीट स्टेटस है उस पर बहुत एक अच्छा अपग्रेड्स देखने मिला है। अब स्टॉक जो है अगर देखा जाए तो 6 साल के टेक्निकल ब्रेकआउट में भी आ गया है, और जो बड़े दिग्गज DI इन्वेस्टर्स है इसमें से आपके HDFC म्यूचुअल फंड और निप्पॉन म्यूचुअल फंड आते हैं। ओवरऑल ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो है रिसेंटली बाय रेटिंग रखा है, टारगेट प्राइस 260 रुपीज़ पर शेयर रखा है, और मार्च के महीने से स्टॉक अभी तक ऑलरेडी 60% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे चुका है, तो गैब्रियल इंडिया को जो है अपने टारगेट में रखिएगा। राइट शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, इन स्टॉक्स के ऊपर हम फोकस बना के रखेंगे। लेकिन जाऊंगा मैं कुणाल के पास, और लेके आइए ICICI बैंक, वहां पर ट्रेड कैसा सेट हो रहा है, 3 महीने का चार्ट दिखाइए तो आपको नजर आएगा। पिछले कुछ दिनों में ICICI बैंक चलना शुरू हुआ है, आज का चार्ट है ये, आज सॉफ्ट है, गोइंग इनटू नंबर्स सॉफ्ट है, लेकिन 100 रुपये के ऊपर चला है 3 महीने में, उसमें से 1 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये 1000 रुपये के करीब आया है, लेट चलना शुरू हुआ है, लेकिन स्टॉक कड़क है, जैसे कहते हैं बाजार की भाषा में, 1 महीने में 70 रुपये चला है गोइंग इनटू रिजल्ट्स, क्लियरली बाजार की उम्मीद है कि शायद रिजल्ट्स बहुत धमाकेदार आएंगे। ये रहे आपके सामने रिजल्ट आते हुए, 25% ईयर ऑन ईयर, 35% ईयर ऑन ईयर, और करीब 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंप्रूव करेगा, एसेट क्वालिटी फ्लैट रहेगी, और NII में 2% QOQ बढ़त, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट, ये है बाजार की एक्सपेक्टेशन, 1000 का भाव है बाजार के एक्सपेक्टेशन की बात अगर साइड में रखें एक बार, कुणाल चार्ट क्या कह रहे हैं, ट्रेड बनता है लेके जाएं VTST के लिए, सैटरडे को रिजल्ट्स हैं, या देखकर काम करें मंडे को, अभी चार्ट्स कुछ खास नहीं बता रहे। अजय जी,
एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल गई है। नाउ ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है, रेजिस्टेंस आ रहा है 1010 के पास और अभी ट्रेड कर रहा है 994। ओके सो मैं उनके लिए व्यू जरूर से दूंगा जिनके पास ऑलरेडी है कि पोजिशन एक बार होल्ड करके रखिए, 1010 का लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और जिनको नई खरीदारी करके चलना है उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि 1010 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन होता है हमें ऊपर में 1160 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। वॉल्यूम भी देखने जाए तो काफी अच्छे वॉल्यूम हुए, पिछले दो टॉप भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिए हैं। तो जैसे ही 1010 ब्रेक होता है 1150 1160 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है, तो नई खरीदारी हम 1010 के ऊपर ही करेंगे, अभी नहीं। तो ये तो आईसीआईसीआई बैंक पर हुई रहा है, लेकिन इस बीच वीकेंड का प्लान आपका बिल्कुल फिक्स है क्योंकि दो बड़ी मूवीज और वो पीवीआर इंडिकेट भी कर रहा है। इनफैक्ट हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ेंगे जो एंटरटेनमेंट कवर करते हैं, मूवीज को रिव्यू भी करके आते हैं, और प्रशांत इनफैक्ट हमारे साथ आ भी गए हैं स्टूडियो में। प्रशांत, दोनों मूवीज की बात कीजिए, आप दोनों देखा है बताइए पहले। नहीं, मैंने ओपनहाइमर देखी है। हाँ। और इसके अलावा वरुण धवन और जानवी कपूर की एक फिल्म है बवाल। ओके। हालांकि ओटीटी पर रिलीज हो रही है वो देखी है, तो मैं उस पर बात हम करेंगे। बाजार की बात तो नहीं कर रहे ना, बवाल बाजार में बवाल मचा हुआ है। हाँ, तो समझे ना, बवाल मचा हुआ है बाजार में। लेकिन एक बात, मैं आपके पास आता हूँ वापस, बट हमारे इन हाउस ओपनहाइमर और जो बारबी है उन्होंने भी पूरा एक बवाल मचा रखा है पूरे न्यूज रूम में आज। वाह, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जल्दी से करिए डायरेक्टर साहब, क्योंकि उसके बाद बाजार के एकदम बड़े दिग्गज आज हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि न्यूज रूम में आज बवाल क्यों मचा हुआ है, आइए जानते हैं। ओपनहाइमर हमारे इन हाउस बाबी एंड ओपनहाइमर बाबेनहाइमर। जी बिल्कुल, दो इम्पोर्टेंट रिलीजेस आ रहे हैं आज, एक है बारबी और एक है ओपनहाइमर। इंटरेस्ट बड़ा हुआ है। और अगर बात करें ओपनहाइमर की, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म आ रही है, इंटरेस्ट बहुत जगा हुआ है और टिकट प्राइसेस भी बढ़ गए, लेकिन सब फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बताइए बारबी, आपको क्या मिल रहा है? हम बारबी में तो काफ़ी सारी एक्साइटमेंट भी बढ़ी हुई है, क्योंकि बारबी बचपन से भी रिलेटेड होती है, सबने खेली हुई है। तो यस, मेरे लिए पर्सनली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैंने बहुत खेली है बारबी से, और यहाँ पे काफ़ी फैमिली क्राउड भी आ सकता है बारबीज में, और ये बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। प्लस उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखें काफ़ी अच्छी है, आप गूगल खोल के देखिए, बारबी टाइप कीजिए तो आपको पिंक कलर के स्पार्कल्स दिखेंगे। काफ़ी उनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो रही है काफ़ी टाइम से, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑलरेडी बन जाता है बारबी के लिए। और ओवरऑल यू नो शरद, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे देखें एडवांस बुकिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है बारबी में। देखें एडवांस बुकिंग टिल थर्सडे नाइट जो थी वहाँ तक हुई है 80,000 टिकट्स की बुकिंग जो हमने देखी हुई। लेकिन जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ वो है 2 लाख का ओपनहाइमर का, और ओपनहाइमर जो है एटम बॉम्ब के ऊपर जो है, जब पहला एटम बॉम्ब बना था उस पे जो है निर्धारित है, और ये बहुत हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्राइडे कलेक्शंस का क्या एक्सपेक्टेशन है? पहले दिन का 15 से लेके 20 करोड़ का है, इंडस्ट्री सोर्सेस कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? बारबी का फर्स्ट जो देखे एक्सपेक्टेशंस है वो है 4 to 6 करोड़ रुपीस, तो ये उनकी फर्स्ट ओपनिंग की आ रही है। एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट डे पे इतनी कलेक्शन उनकी होगी वहाँ पे। पर शरद यू नो ऑल ओवरऑल देखे तो जो एक्सपेक्टेशन है स्क्रीन ओपनिंग्स की, बारबी ओपन स्क्रीन ओपनिंग्स जो हो रही है इंडिया में वो है 700 स्क्रीन में बारबी के शो चलेंगे। आपका क्या नंबर दिख रहा है, आपका क्या आंकड़ा है? बारबी ये 2 गुना हो चुका है ओपनहाइमर का, 1500 स्क्रीन हो चुके हैं। और जो याद रखिए, एक नॉर्मल बॉलीवुड की जो मूवी की रिलीज आती है, इन फॉरेन मूवीज़ को जो लिटरली हाफ मिला है। और ये इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ और बताता हूँ, बारबी की जो मैक्सिमम टिकट प्राइजेज होती है उसमें देखें तो 2500 रुपये के जो है सबसे ज़्यादा महंगी टिकट बिकी है, आईमैक्स की टिकट है ये ओपनहाइमर की देखने मिली है। तो बारबी का सबसे बड़ा महंगा कौन सा है? सबसे महंगा तो 2100 का है, ओपनहाइमर से तो 400 रुपये कम ही है। पर सबसे महंगा वाला जो टिकट अगर कोई खरीदेगा और जाएगा थिएटर में तो वो है 2100 रुपीज़, वहाँ पर उतनी एक्सपेंसिव उनकी टिकट होगी। पर यू नो मूवी रेटिंग्स की बात करें तो वहाँ पर मूवी रेटिंग्स बारबी की है 89% पे, ओपनहाइमर की कहाँ पे चल रही है? आपसे बेटर है, बारबी से बेटर है, 92% पे मूवी रेटिंग है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पॉपुलैरिटी होती है रैंकिंग की है, जो आईएमडीबी देता है, उसमें ओपनहाइमर 3rd पोजीशन में है। बारबी कौन सा पोजीशन में है? बारबी उसके बहुत पीछे नहीं है, 4th पोजीशन पे ही है। बारबी की जो रैंकिंग आ रही है पॉपुलैरिटी रैंकिंग वो 4th पोजीशन पे है, तो आगे पीछे है। बट इंटरेस्टिंग क्या होगा व्यूअर्स, आप कौन सी मूवी देखने वाले हैं, ओपनहाइमर या बारबी, कौन सी आपकी पिक है?
ऑलराइट, ठीक है, थैंक्स वेरी मच विनी और शरद दा, बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छी सी कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अब रिव्यू तो हमें प्रशांत बताएंगे, अब प्रशांत बताइए मूवीज हैं कैसी हैं। अच्छा चलिए, ये दो फिल्में आपने देखी और नंबर गेम तो हो गया, क्विकली मैं बता देता हूँ कि फिल्म कैसी है। तो बाबी तो मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन ओपनहाइमर मैं ही कहूंगा कि जिन लोगों को इंटेलिजेंट सिनेमा पसंद है, मैं एक लाइन में यही कहूंगा, मेरी बात तो नहीं कर रहे, मजाक कर रहा हूं बिल्कुल। तो जिन लोगों को इंटेलिजेंट सिनेमा पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स की कहानी बताता है जिसने पूरी दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण किया था, और क्रिस्टोफर नॉलन इस फिल्म के जरिए उस आदमी के दिमाग में घुसने की कोशिश करते कि वो उसकी साइकी कैसी है, वो आदमी प्लानिंग कैसे कर रहा, वो देखना गजब है। आईमैक्स वर्जन में ये शूट हुई है, बड़े पर्दे पर देखिए, आपको एक्टर्स के आंखों से गिरने वाला एक आंसू भी ऐसा महसूस होगा जो एक्सपीरियंस शायद मैं रिव्यू करके नहीं आपको बता सकता। तो ओपनहाइमर जरूर देखी जानी चाहिए। इसके अलावा हिंदी दर्शकों के लिए एक और फिल्म जो है वो हालांकि ओटीटी पे है, वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल रिलीज हुई है, और ये फिल्म दंगल और छिछोरे बनाने वाले नितेश तिवारी ने बनाई है। बहुत ही फ्रेश अप्रोच, बहुत ही ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग के साथ इसकी कहानी को पेश किया गया है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसको बहुत ही खूबसूरती से रिश्तों और सामाजिक ताने बाने में पेश किया गया, तो बहुत अच्छी फिल्म है, ये भी देखी जानी चाहिए। बाबी रिलीज हुई है, तो ये तीन बड़ी रिलीजेज हैं जिन पर फोकस किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। ओपनहाइमर पर आपकी जो रिकमेंडेशन है वो श्योर हमने तो ले ली है, और बाजार ने भी ली होगी, व्यूअर्स ने ली होगी। लेकिन बवाल की बात की आपने, तो हमारे साथ आज स्टूडियोज में आ चुके हैं संजीव हसीन जी, जो बाजार के बवाल पर पूरी कड़ी एक नजर बना के रखते हैं और कंट्रोल में रखते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड हो चाहे शॉर्ट साइड हो। संजीव बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुंबई मानसून ने थोड़ा समय कम कर दिया। अभी आप ये बताइए कि एक बढ़िया रैली के बाद बाजार थोड़ा सा एक फैटिक दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल है, आपका व्यू क्या बन रहा है इस समय? हाँ, गुड आफ्टरनून अजय, आपको और प्रियंका को ग्रेट टू बी हियर। और आपने सही कहा, मुंबई की बरसात कमाल है, तो मौसम और शेयर बाजार किसी के हाथ में नहीं है, दोनों भगवान से हाथ जोड़ने चाहिए ये निकल जाए। तो अजय देस नो, हाँ अभी इतना अच्छा रनअप आ गया, ये दो महीने दो साल का प्रॉफिट बना है लोगों का, एंड नो कंप्लेंट्स, लेकिन इट टेल्स यू एरोगेंस एंड इग्नोरेंस गो हैंड इन हैंड। जो 15,000 पे बेचने को मंदी कह रहे थे, वो 20,000 पे अब छोड़ने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक वी आर ऑफकोर्स ट्रेचरसली ओवरबॉट इन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, और यहाँ से कोई भी रिजल्ट्स, कोई भी अनहोनी होगी तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट आएगा। जस्ट एज यू इन यू सॉ यस्टरडे इन इन्फोसिस, इट्स नथिंग मच दैट इन्फोसिस डिड, बट द रनअप इन द रिसेंट वीक वॉज शार्प, तो इस कारण से आप उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। एंड यस, द गाइडेंस कट हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ डैम्पनर, बट I think, Ajay, this will continue. You know, you are seeing the strongest ETF flows. The momentum is so strong in cash shares. But we are close to expiry. I would expect volatility to be the order of the day. So, 300-400 point ki maximum yahan se ke liye open mind rakhna chahiye? Open mind kya? Aapko, jab aapko 17,000 mein lene ko kehte the, to aapko mushkil hoti thi. 20,000 pe kisi ko bolo bhej de, to wo bolega ji, maine rally miss kar di. There's nothing. You can't catch the top or the bottom. इस समय थोड़ा सा कैश रेस कर लीजिए। ये जस्ट ये थोड़ा सा कैश रेस करके रख लें तो आपको कंफर्ट मिलेगा डिक्लाइन पे खरीदने का। तो संजीव जी, अदरवाइज अभी कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छी, क्योंकि इतना बाजार जब चल गया तो अब जिसने, आप खुद ही कह रहे हैं रैली जिसने मिस कर दिया, वो कहाँ वैल्यू देखे, कहाँ पर अब भी आपको लगता है कि वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं? सो देखो, 3-4 शेयर्स मैं आपको बोलूंगा जहाँ मुझे बहुत वैल्यू दिखती है। एक तो मुझे टाइटन बहुत अच्छा लगता है। नाउ आई वुड प्रेफर टू बी इन बेटर नेम्स If I have to be invested. See, ये भी कहना आसान है प्रियंका के, बुक कर लो और वापिस ले लो, वापिस लिया नहीं जाता। यू हैव टू राइड, यू हैव टू सी द टॉप्स एंड बॉटम, पैसा किसने बनाया, जो दो तीन साल से सिप कर रहे हैं वही रिटेल इन्वेस्टर। और ये कई बार कहा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर विल क्विट द मार्केट, ऐसा नहीं होगा। नहीं हुआ, रिटेल इन्वेस्टर की नैव बढ़ रही है, और म्यूचुअल फंड्स जो जिनका प्रेरोगेटिव इन्वेस्ट करने का, वो भी कैश पे बैठे हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इवन एज फार एज निफ्टी। तो आई वुड से टाइटन इज माय टॉप पिक। सी, टाइटन इज नॉट जस्ट प्ले ऑन द दिवाली और अदर, अब राखी आने वाली है अदर, और जो उनका आई केयर बिजनेस है, दे आर गोइंग टू ओपन 1,000 आउटलेट्स। तो मुझे ये बिलो 33,000 टाइटन बहुत पसंद है। आई थिंक टाइटन कैन हिट 3,500 बाय दिवाली, रिजल्ट्स विल वेरी गुड। सेकेंड, आई एम वेरी बुलिश ऑन HDFC लाइफ एंड ICICI प्रू।
नाउ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रेरियन सेक्टर इन द सेंस कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो इट इज बेटर टू डू एन इन्वेस्टमेंट और अ सिप इन एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू द यू नो द एनुअलाइज्ड प्रीमियम नंबर्स वाज स्लाइटली वीक बट द प्रोटेक्शन हैज गॉन अप and insurance will do very well as bond yields go their way because treasury income will go up. So I think insurance may, I am very, very bullish on ICICI Pru and I am very bullish on HDFC Life. Fourth, I am suggesting some cash share. Piramal Pharma, आपको 70-72 पे कहा था, 105 हो गया. बहुत गजब चला है वो. देखिए, बढ़ना पड़ेगा. एक डेढ़ महीने में 50% बढ़ गया. अभी भी 150 रुपए का टारगेट. आज 5% ऊपर Piramal Pharma लिखे हैं डेटे साहब. अभी क्या लगता है आपको उस वहाँ पे? 126-127 पे तो वारंट्स इशू किए हैं. 150 का भाव मुझे दिखता है इस पे. केम्प्ला सानमार एंड जुबिलेंट इनग्रीविया, दीज आर माई टू अदर पिक्स. I am also very very bullish on my favorite stock SW Solar. आपने रन देखा है लास्ट वीक में क्या हुआ है. अब अजय सिंपल चीज है, 18 करोड़ की इक्विटी है, मैं कई साल कई महीनों से कह रहा हूँ. और अब अगर 14-15 हजार करोड़ का ऑर्डर आया, और आपको पता है इन द एमईपी स्पेस दे आर द ओनली प्लेयर विच टेक अ मार्जिन ऑफ 12%. सो आई थिंक दैट दिस स्टॉक कैन डबल फ्रॉम हेयर. द लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डू अ सिप इन Zomato, Paytm एंड PB FinTech. They have turned the corner. The next 2 years belong to them. ये बहुत अच्छी बात बोली आपने. अच्छा, PayTM भी आता है आपके विडार पे? हाँ, ओके. क्योंकि Zomato तो कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे है. PB FinTech भी हम लोग जानने वाले एक्सपर्ट्स हैं. कॉमन 40 रुपए से बोल रहे हैं, 80 हो गया है. करेक्ट. लेकिन जो भसीन साहब बोल रहे हैं, उन तीनों में सिप करते रहिए और जमा कर लीजिए माल 2 साल के व्यू से. ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट है. ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है. नहीं नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का व्यू है. संजीव जी, क्योंकि ये जितने भी इंफ्रा स्पेस बेट्स हैं, इंफ्रा हो चाहे रेलवेज हो, इनमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है. अब रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है. आपकी टॉप बेट्स कहाँ पर है? नहीं, मेरी टॉप बेट्स तो आई ओन बोथ RVNL एंड टीटा गर्व वैगन, बट आई ओन देम सिंस द पास्ट मेनी इयर्स. आई डोंट ओन देम टुडे. आई फेल्ट दैट द बिजनेसेस वर गुड. और क्या होता था प्रियंका, मुझे इतने साल हो गए, पहले रेलवे बजट के स्टॉक्स, अजय को पता है, रेलवे बजट से एक महीना पहले चलते थे और 10 दिन बाद खत्म हो जाते. पूरे साल कोई बात नहीं. तो ये सरकार ने कमाल कर दिया. कब आपने देखा है कि L&T 2600 रुपए पे बायबैक करने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं? ABB सीमेंस हाई मार रहे हैं. टीटागर वैगन वॉज अ ब्रिलियंट प्ले ऑलवेज, बट उसमें क्योंकि रेक्स कम है. कॉनकॉर इज सेइंग कि मेरे पे बहुत ज्यादा डिमांड है, बट आई डोंट हैव द इनफ रेक्स. सो आई थिंक दैट आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर. दिस इज अ टाइम यू शुड एक्चुअली बी डूइंग. दी स्टॉक्स आर नॉट चीप पहली बार, बट अगर आप व्यू थोड़ा सा लंबा रखें, देन यू कैन बाय नाउ सम नाउ एंड वेट फॉर करेक्शन. संजीव जी, दो यू आर अ टी टोटलर, आप हमेशा मुझे बताते हैं. लेकिन बाजार में क्या हो रहा है कि ये अपना यूनाइटेड स्पिरिट सबको ठेंगा दिखा के 1000 के ऊपर आगे खड़ा हो गया. और खैर, ऑफकोर्स रेडिको भी चला, ये अल्कोबेव, सोम डिस्टिलरीज, लोग उसको छोटी मोटी हंटर बियर कंपनी समझते थे, अब उसने कार्लसबर्ग के साथ टाइप कर लिया. सुला में बड़ा अच्छा बाइंग हो रहा है. अल्कोबेव पे कोई व्यू आपका? नहीं, अल्कोबेव पे नहीं है. आई ओन यूनाइटेड स्पिरिट एज अ डिस्क्लोजर. लेट मी बी ऑनेस्ट अजय, मैं अपने दोस्तों के साथ आई एम अ टीटोटलर, बट सबके टेस्ट बढ़ गए हैं. पीपल वॉन्ट द बेस्ट, दे डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वॉट दे स्पेंड इन फॉर एज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. और इस कारण से द बिगर द ब्रांड द बेटर इट इज. और मैनेजमेंट ने तो आके बोला कि हम ओनली प्रीमियम पे फोकस करना चाहते हैं, बाकी सब हटा दिए. इट्स इन द मिड टाउन, इन द न्यू मिलेनियल्स एंड इन द यू नो मैच्योर क्लास. एवरीवन वांट्स टू स्पेंड टाइम विद द बेस्ट अल्कोहल और द बेस्ट बेवरेज विच दे वॉन्ट. एंड आई थिंक दैट यूनाइटेड स्पिरिट्स is arguably still one of the best plays. I don't even rule out ke ye, given the market share it has and given the wealth effect of normalized drinking now catching up, it can even be up 50% from here. Kya baat hai, unbelievable. Ownership bahut kam hai. Jab do back-to-back quarter aaye, kharab, to log utar gaye the isse. Kafi ye turnaround quarter isme dekhte hain kitna follow-up. Ye Jubilant Inc. bhi hai, mujhe aapka bada interesting pick lag raha hai. Wahan bhi log bahut patient test hoke utar gaye. Rete sahab, ek bar 3 mahine, 6 महीने और 1 साल का व्यू लेके आइए आप Jubilant Ingrevia का. वो भसीन जी के बाइंग रेडार पे आ गया. ये देखिए, 3 महीने में फ्लैट रिटर्न, 6 महीने और 1 साल भी. ये पोजीशनिंग मुझे सबसे अमेजिंग पॉइंट आपका ये लगता है कि आपने 8 रुपये पे
ये बताया था साउथ इंडियन अब 20-22 में सबको वो दिखता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अजय जी जो हम स्पॉट करते हैं इन्वेस्टर कमाता है। अब हजार में से अगर 5-6 स्टॉक नहीं भी चले तो सारे वो ट्रोल करेंगे, क्योंकि नफे तो आप खा जाते हो। नहीं बट अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखिए आपको चाहने वाले और ट्रोल तो एडवांस सर 52 रुपए में कोई यूनियन बैंक पूछता नहीं था, 40 रुपए में PNB नहीं पूछता था, आज आप देखो ना दे आर द फेवरेट्स ऑफ जुबिलेंट इंग्रेविया का वर्स्ट हो गया आपके साथ, जुबिलेंट इंग्रेविया का वर्स्ट है। सी लेट मी टेल यू अजय जी, मथुरा में सबसे पहले मथुरा रोड पे वैम ऑर्गेनिक कंपनी होती थी भरतियास की 30 साल पहले, वैम ऑर्गेनिक वाज देन मर्ज्ड एंड स्पिन ऑफ, दिस इज वैम ऑर्गेनिक द ओरिजिनल पेटेंट कंपनी, द ओरिजिनल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विच वाज द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द हाउस ऑफ भरतियास, एंड नाउ द प्रोडक्ट मिक्स एंड द यूरोप बिजनेस इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। इस कारण से ये और कैंप्ला सानमार एंड पिरामल फार्मा ऑल आर पेडिग्री स्टॉक्स, क्योंकि आप मैनेजमेंट देखिए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज चेक द मैनेजमेंट, बिजनेस कैन अंडर परफॉर्म फॉर अ क्वार्टर और सो, बट यू आर बाइंग अ क्वालिटी स्टॉक। संजीव जी आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये तो आज खैर चलिए बड़ा एक नीजॉक रिएक्शन, बट ऑलमोस्ट सब कुछ तो प्राइस इन है, जो रिपोर्ट्स भी कह रही है वो यही तो कह रही है कि क्वार्टर एक आध दो क्वार्टर अभी भी खराब रहेगा, नया क्या है, बाजार इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या ये बॉटम के पास है? नहीं देखो नैसडैक हैज हिट ऑल टाइम हाईज, एप्पल इज $3 trillion, दीज आर नंबर्स, समवन इज बाइंग दो स्टॉक्स, दीज विल ऑलवेज बी सेफ प्लेस, यू कैन सी मे बी अ कॉल, बट प्रियंका टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इफ यील्ड्स हैव हिट 3% इन्फ्लेशन सॉरी एंड इफ द फेड इज गोइंग टू डू नथिंग देन द माइनर रिसेशन इज गोइंग टू गेट अप गो ओवर वेरी फास्ट, और अगर आई टी स्पेंडिंग बजट्स कम बैक then maybe after a quarter or so they all become very very attractive. So mere abhi bhi I feel HCL Tech, Tech Mahindra and Persistent, these are three names I'm very bullish. You can add an LTIM, LTIMindtree, these 4-5 stocks agar aap ship kare, because we cannot price in the worst time or the best time because of the market volatility, but I still think IT as a sip for the next 8 weeks or the next 18 weeks will be a very good. असीम साहब 2 मिनट हम हमारे साथ वेट करें, मैं अपने टेक्निकल पैनलिस्ट का BTST लेके वापस लौटते हैं क्योंकि 10 मिनट रह गए बाजार बंद हुए, फिर चर्चा आज बाजार की क्लोजिंग हम असीम साहब के साथ ही करेंगे। मितेश आपकी BTST आइडियाज क्या हैं? एस्ट्रल लिमिटेड 1924 पे चल रहा है स्टॉक, आई थिंक 1900 के स्टॉक पर से अगर आप लेंगे एस्ट्रल लिमिटेड तो 1950-1975 आपको मंडे के दिन मिलेगा। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल 5210, 5150 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल को लेना है, पहला टारगेट 5280, दूसरा टारगेट 5300, तो दो कॉल है दोनों बाय साइड, अपोलो हॉस्पिटल एंड एस्ट्रल। एस्ट्रल और अपोलो हॉस्पिटल ये आपके BTST ट्रेड्स। कुणाल आपके क्या होंगे BTST आइडियाज? कुणाल प्लीज पहले, सबसे पहला जो है वो जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड है जो 415 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, ZOTA प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। SL जो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो SL हमारा रहेगा 406 का, और टारगेट की बात करेंगे तो 425 का पहला टारगेट एंड वो जैसे ब्रेक होता है 435 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, लाइकली चांसेस है 435 का टारगेट हमें कल के दिन में ही देखने को मिल जाए। नाउ दूसरा जो कॉल है जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए वो डीप इंडस्ट्रीज करके है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 219 का प्राइस है, रीजन लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 212 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करेंगे, 212 का SL है, टारगेट की बात करें तो 225 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक करेगा 235 का दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला वाला तो हमारे फायर ही नहीं कर पा रहे, ढूंढना पड़ेगा जोटा हेल्थ केयर, दूसरा दीप इंडस्ट्रीज ठीक है समझ में आया, अभी भी लास्ट आवर ट्रेड में कुछ टिक आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ शो में शामिल होने का, वसीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में। वसीन जी एक बात बताइए, आप देश भर में घूमते रहते हैं, रिसेंटली आप किधर घूम के आए, इन्वेस्टर की पल्स क्या है, थोड़ा सा फीडबैक शेयर करिए। पिछले हफ्ते कलकत्ता था, उससे पहले अगले हफ्ते अहमदाबाद हूँ, फिर नाडियाड हूँ, फिर चेन्नई हूँ, फिर बेंगलोर हूँ, और 21 हफ्ते पहले जा चुका हूँ। हाँ 11 दिन के लिए लंदन जरूर घूम के आया अपनी बेटी के पास। अरे वाह तो, क्या बात है। और वहां पे भी 4 आदमियों से मिल के आया। वहां पे से क्या बोल रहे हैं? वहां पे भी रिसेशन है, वहां धंधा नहीं है, वो कहते हैं इंडियन स्टॉक्स बता दो भसीन साहब कुछ पैसे बन जाएंगे। ऑफकोर्स पाउंड इज अ किंग। तो अजय जी देखो मैं आपको कब से बोलता हूँ, छोटे शहरों में बहुत ज्यादा रौनक है, बॉम्बे कलकत्ता 100 करोड़ के अकाउंट से हम मिलना नहीं चाहते, जो 10 लाख रुपए वाला है वो आपको सच में मानता है और उसमें पैसा लगाना है, जो 5000 वाला सिप है वो रुकने नहीं वाला। इसलिए इंडियन मार्केट को अगर आप सोचोगे वो सस्ती होगी तो नहीं मिलेंगी, दे विल बी एक्सपेंसिव
एंड यस मैक्रो एंड माइक्रो बोथ थिंग्स विल ड्राइव द फ्लोज बट जो मिस्ड आउट फीलिंग है वेदर इट इज म्यूचुअल फंड्स और वेदर इट इज एफआईज दैट इज बीन ह्यूमंगस द स्मार्ट मनी इज द रिटेल इन्वेस्टर जिसको हम एडवाइस करते हैं और वो इतनी बड़ी तादाद में है कि 12-13 करोड़ आपको 5 साल में ये डबल दिख जाएंगे तो आप अपने आप सोच सकते हो इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो हर घर से मिसिंग थी वो अब आ गई है सोना प्रियंका आपको कभी बेचने नहीं जाएगी रियल एस्टेट बनाने में 30 साल लग जाते हैं फिक्स्ड इनकम कांट मीट योर एक्सपेंसिव तो एक इक्विटी रह गई ना जो एक एसेट है जो 4-5 हजार का भी सिप आ जाता है 4 हजार रुपए तो आजकल आप ओपनहाइमर पे खर्चोगे पिक्चर देखने में इससे अच्छा 2-3 हजार का सिप ही कर लो मेरी सही बात है ये एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया है मतलब मैं किसी से बात भी कर रहा था कि जिस हिसाब से ये शेयर ऑफ वॉलेट बनता जा रहा है एसआईपी क्यों ना एएमसीज एक दिन जो है वो कंज्यूमर कंपनी जैसे वैल्यूएशन हो जाए चली भी बहुत है पिछले हफ्ते जबरदस्त चली अजय जी बहुत अच्छा पॉइंट कहा मैं यहाँ एक शेयर और रिकमेंड करूंगा ABSL AMC 380 रुपए का भाव है थर्ड लार्जेस्ट AMC इन द कंट्री 750 रुपए पे इशू आया था हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद इंश्योरेंस एंड बिरला AMC की बात कर रहे हैं आदित्य बिरला ABSL AMC यस हाँ ये स्टॉक है हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद AMCs एंड इंश्योरेंस एंड ब्रोकरेजेस एज इंटरमीडियरीज I mean, as a disclosure, I also am a stockholder of IIFL, so I don't want to make a disclosure. But I think the real next 20 years only belong to these three categories. Because Priyanka, AMC makes money for whatever asset management they will charge, they will run the fund. Correct. Insurance is a no-brainer, jo aapko karna hi hai. We are coming to that level where the maturing is happening. And as an intermediary, a brokerage or AMC house will be the ones which will always drive the, they will get their returns, irrespective of the market going up and down. So, जैसे जैसे the SIPs pick up, the amount of people, new entrants come, I think these three categories will be no-brainers for the next 20 years. All right. Sanjeev ji, ये जो defense stocks इतने चल गए हैं, for that matter, HLO, Mazagon, Doco, जिन्होंने अभी भी miss किया हो, वो इनमें entry point ढूंढे या थोड़े से expensive हो गए और कोई cheapest, दूसरे कोई options ढूंढने चाहिए? Well, it's difficult, क्योंकि अभी हम बोले इस भाव पे BL, HAL, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए. I think उसमें काफी कुछ good news भी already priced in है. Correct. अच्छा. If you still want to wet your feet, थोड़ा बहुत लेके रख लीजिए, but be prepared के यहाँ से 15-20% निकल भी सकता है, where you should be again be ready to buy more. वैसे था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अभी रिजल्ट आए थे 2 दिन पहले, धमाकेदार रिजल्ट, उसके बाद से स्टॉक चल रहा है. J&K बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो रीजनल बैंक है, इनके रिजल्ट्स में कोई कमजोरी नहीं दिख रही, क्या ऐसे सेकंड राउंड शुरू हो रहा है इनमें? वेल, आई कैन ओनली से दैट आई ओन J&K बैंक एंड साउथ इंडिया बैंक फ्रॉम मच लोअर लेवल व्हेन दे वर 18 रुपीस एंड 8 रुपीस. द रियल इज नाउ अजय, क्योंकि इन्होंने इनकी जो बैलेंस शीट्स है वो क्लीन हो गई है, क्रेडिट गोट इज मेच्योर्ड, और यू नो हाउ लॉन्ग कैन यू कीप हार्बरिंग के ये बैड डेट्स है और ये वो खत्म हो गई ना बात. विजय माल्या भी चले गया, आपका वो जेट भी हो गया, ये जो जो कलैप्सेस थे, I think they've all come back very strongly and digitalization is the new world. So their costs have matured, their cost of money is low and credit is expanded. But take it in a pinch of salt, is samay 46,000 pe better to be with large, okay, fair large point. Banks. Fair point. Large banks mein aapki preference? Large bank, I still think Kotak, ICICI, Axis and you can add an SBI. Okay. Or just buy the bank Bs. Bank Bs, wo bhi best hai. ओके और ऐसे अगर एनबीएफसी की बात करनी हो वहां पर, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा स्पेस चला है, एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें प्रियंका आप देख ही रहे हैं बोथ द बजाज ट्विंस ऑन द बैक के, वन ऑफ देम विल डेफिनेटली बी एबल फॉर एन लाइसेंस ऑफ बैंक और एंड दे हैव एक्सपेंडेड इनटू म्यूचुअल फंड्स. आई थिंक चोला वाज एन आउटलायर एज फार एज रिजल्ट्स गो. So you have to be with the best names, and over there these 2-3 names have been very very marquee. But I still think if you want to own, then the merger of HDFC Bank, which is now with HDFC, that would be the perfect play. It's an expensive stock, but it's the best stock to own. All right, संजीव जी के साथ तो लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बाजार बंद हो रहा है और एक क्विकली रैप कर लेते हैं, क्योंकि आज बड़ा ड्रैगर जो था वो आज आईटी काउंटर्स ही थे. इनफैक्ट निफ्टी पर और बैंक्स ने भी आज सपोर्ट नहीं दिया, तीसरी डिसअपॉइंटमेंट आपको रिलायंस से मिली. तो एक बार टॉप लूजर्स देख लेते हैं, जो इस वक्त के टॉप लूजर्स हैं, वो सुबह जिन पर ड्रैग दिखा था, कोई रिकवरी भी माइनस रिकवरी अटेम्प्ट हुई, वो टॉप स्टॉक्स हैं इंफोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो. HCL के भी नंबर्स आए थे, वॉल्यूम ग्रोथ उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं थी जो बाजार
एक्सपेक्ट करके चल रहा था और इसलिए आप उस पर एक डेंट भी देख रहे हैं 4.4% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज बिफोर द नंबर्स और एक मूव के बाद अब थोड़ा सा वहाँ प्रॉफिट बुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे TCS जैसा स्टॉक आप तो IT कंप्लीटली आपको ड्रैगर दिखाई दिया, चाहे वो लार्ज कैप हो, और ऐसे ही आप मिड कैप में भी देखें तो मिड कैप में भी आपको परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 5.5% की गिरावट मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट, कोफोर्ज इनमें देखने को मिली, और मिड कैप में दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें पॉलीकैप जैसे स्टॉक जहाँ अच्छी मूव आ भी चुकी थी पिछले हफ्ते, और आज आपने देखा कि वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। गेनर्स में आज कहाँ से थे? L&T, क्योंकि उसमें बायबैक का ट्रिगर है, अगले हफ्ते रिजल्ट्स भी हैं, तो L&T पे आपको 2.5% की मूव दिखी। डिवीज लैब जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी मूव दिखाई दी, और PSU बैंक्स में लार्ज कैप PSU बैंक्स जैसे SBI जैसे स्टॉक से आपको एक सपोर्ट मिला। मिड कैप PSU बैंक्स में यूनियन बैंक जहाँ जहाँ अच्छे नंबर्स आए हैं वहाँ पर आपको अच्छी मूव जरूर दिखाई दी, लेकिन लार्ज कैप बैंक्स में आप देखें ICICI बैंक के कल नंबर्स हैं, उससे पहले बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स में आप कोटक बैंक को भी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और इनफैक्ट ITC पर एक जो एक्सक्लूसिव खबर ET की भी थी उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। आज कुल मिला के कुछ स्टॉक्स आपको FMCG और फार्मा के भी दिखाई दिए, पावर स्पेस के कुछ स्टॉक्स दिखाई दिए, अदरवाइज जो बड़ा ड्रैगर था डिसअपॉइंटमेंट थी वो तीन ही स्पेसेस से दिखी। पहला IT बिकॉज ऑफ गाइडेंस कट बाय इन्फोसिस, पूरा IT ड्रैगर दिखाई दिया, और दूसरा रिलायंस एक प्रॉफिट बुकिंग और प्लस नंबर से पहले नर्वसनेस, और तीसरा आपको बैंक से भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, और हमने अच्छा खासा 200-225 पॉइंट्स का कट आज निफ्टी पर देखा। बैंक निफ्टी पर भी हमने बहुत बड़ा नहीं लेकिन आज बड़ा सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, लेकिन लास्ट आवर में आप देखें तो वहां पर एक अच्छी रिकवरी स्टेट बैंक जैसे स्टॉक से 1.5% की तेजी के साथ स्टेट बैंक भी एटलीस्ट लार्ज कैप बैंक से आपको एक मूव जरूर दिख रही है, चाहे वो कोटक बैंक हो, SBI जैसे स्टॉक्स हो। देखना होगा कि सोमवार को हम कैसी रिकवरी अटेम्प्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं कि आपको निफ्टी फ्यूचर में लेना चाहिए, यहाँ से एक नीजक रिएक्शन आज नंबर्स का था, और बाजार में अब भी अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी कमिंग वीक में। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं, इजाजत, सोमवार को फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।